सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागनी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आप है मेरे किचन में। और आज मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, और आज आपको बताएगा अर्जुन अपनी रेसिपी। कोई ड्रिंक है और वो है वर्जिन मोहितो, जो कि उसे बहुत पसंद है और गर्मी में भी सभी लोग बेहद पसंद करेंगे इसे पीना। तो आप इसकी रेसिपी ध्यान से देखें और इसे सीखें, और सारी सामग्री वगैरह वही बताएगा। अभी गर्मियां हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको कूल कूल लगेगा इसको पी के। तो चलिए आज हम सीखते हैं अर्जुन के साथ वर्जिन मोहितो। ऑलराइट, तो थैंक यू मम्मी, आज मेरे को चांस मिल रहा है शायद सेकंड टाइम कुछ अपनी तरफ से कुछ रेसिपी ऐड करने का, वो भी मम्मी के चैनल पे। वैसे मैं ये जब सामान सारा लेने गया था तो उसका मैंने व्लॉग भी शूट किया, अगर आपको वो देखना है तो पीसीबी व्लॉग्स चैनल पे आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा अगर मूड है तो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देता हूँ कि वर्जिन मोहितो के अंदर हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं, और बाजार में अगर आप पीने जाएंगे तो इसके 2 से 3 गुना आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो आसानी से काम बन जाएगा घर पे ही। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट तो ये देख लीजिए आप, मिंट लीव्स हैं, पुदीना के पत्ते हैं और फ्रेश हैं, हरे वाले मैंने लिए हैं बिल्कुल फ्रेश, अभी लेके ही आया हूं मैं। और 2-3 मैंने नींबू ले लिए हैं, 4 लिए थे एक्चुअली, 1 मैंने कट कर दिया और इस तरीके से कट कर दिया, मैं दिखा देता हूं आपको। और इस तरह से पत्ते भी बिल्कुल धो के रख लिए हैं और हटा लिए हैं। अब इसके बाद में जो इसके जो इंग्रेडिएंट है, अब ये कस्टमाइजेबल है ठीक है, तो इसमें आप माउंटेन ड्यू जैसी ड्रिंक भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं, और अगर ब्लैक वर्जिन मोहितो बनाना है तो पेप्सी या कोको कोला जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक एसेंस जो चीज बढ़ाती है वो क्या चीज है, वो है ये पोलो। अब आप देख सकते हैं ये पोलो है, 5-5 रुपए के पोलो है, सिर्फ 10 रुपए मेरे लगे हैं और एक ग्लास के अंदर अराउंड 2 से 3 पीसेस इसके यूज में आ जाएंगे। तो बस दैट्स इट, यही सारी चीजें हैं जिनको हम मिक्स करके और वर्जिन मोहितो बनाने वाले हैं। और एक और बात बता दूं कि वर्जिन मोहितो को वर्जिन मोहितो क्यों कहते हैं। मोहितो जो होता है वो होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसमें विस्की वगैरह यूज में हम लेते हैं जनरली, गर्मी बहुत है पसीना भी आ रहा है। और जो वर्जिन मोहितो है वो नॉन अल्कोहलिक है, जो कि हम बनाने वाले हैं, तो मोहितो हम नहीं बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और मम्मी के साथ बनाएंगे। ऑलराइट, तो बाकी सारी चीजें मिल गई। एक मडलर होता है जो कि आप जैसे अपन वो कूटते हैं ना इलायची वगैरह वो सांचे के अंदर, उस तरीका का होता है लेकिन वो लकड़ी का होता है। जिसने जिसको ब्लॉग देखना आप देखना, मुझे कहीं नहीं मिला, तो अब उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मम्मी पीछे ही खड़े, मम्मी इसका कुछ सॉल्यूशन है तो कुछ इसका क्या सॉल्यूशन लाई हूं मैं, देसी मडलर। देसी मडलर ये देखो, ये लोहे का तो नहीं है? नहीं नहीं, ये एल्युमिनियम का, लेकिन इसका वेट नहीं है ज्यादा। लोहे वाले मैं नहीं लाई हूँ, वो भी पड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा मडलर के काम में, जैसे लकड़ी का होता है उसकी जगह ये काम में देगा, ये देसी मडलर है। तो ये हल्का फुल्का है, तो ये कांच की जो ग्लास है उसको फोड़ेगा नहीं, तो एक बार बस थोड़ा सा स्क्वीज करना है, स्क्वीज करने के लिए काम में आ जाएगा। अब ये भी ना हो तो चम्मच से कर लेना, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बनाऊं मैं? बनाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्जिन मोहितो बनाना। जल्दी शुरू कर, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है और बर्फ भी पिघल रहा है और हमको पीना है, जल्दी फ्रेश होना है, पीना है, फ्रेश होना है, तो बनाते हैं आपके लिए वर्जिन मोहितो। तो ये है हमारा पोलो का है जो मैंने क्रश कर दिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा ले लेंगे, ये मैंने एटलीस्ट 2 ग्लास के लिए क्रश किया, लेना अपन को इतना सही है। तो ये ग्लास में हम डाल देंगे थोड़ा, एक पैकेट हमने पूरा क्रश कर लिया छोटा, 5 रुपए वाला। अब इसमें मैं थोड़ा सा लाइम स्क्वीज कर देता हूँ और इसको तो क्या है कि आपस में थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये हमारे पास यंत्र है, इसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन जूस हमने इसमें स्क्वीज कर दिया है, थोड़ा सा बज्जा है तो हाथ से भी कर लें, ये यंत्र पूरा जस्टिस नहीं करता इसके साथ, मैं पूरा निकालूंगा, पैसे पूरे दिए थे इसके। अब इसको तो रख देते हैं हम साइड में। अब थोड़े से ये मिंट लीव्स हमारे पुदीना के पत्ते फ्रेश, इसमें हमने डाल दिए और एक दो ऐसे तोड़ के भी डाल, एक दो तोड़ के भी डाल देते हैं, जैसा आप कहें, आप तो कुक हैं तो आपकी बात हमें माननी पड़ेगी। एक दो तोड़ दिए, बस बहुत है ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा है देसी मडलर, क्योंकि लकड़ी वाला मिला नहीं। अब इसको ध्यान से करना, आप लोग भी करो तो बस हल्का सा प्रेशर देके और अंदर घुमा देना है, थोड़ा सा मिंट के पत्ते और सब कुछ आपस में मिक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो रहे हैं देसी से तो, अरे मजा आ गया। देखो ऐसे तो वो क्या है, लकड़ी उससे ही नहीं होता है। क्या मतलब, मैं मॉकटेल बना रहा हूँ, पीने से पहले ही मजा आ गया है शेफ को तो। और आप चाहे तो इसके अंदर काला नमक या फिर थोड़ा सा चाट मसाला या जो भी आपको चाहिए नमक भी डाल सकते हैं बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं थोड़े से ये जो मैंने हमने पीसेस काट के रखे थे लेमन के 3-4,
ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और मेन क्रश्ड आइस है, वो क्रश्ड आइस थोड़ी सी पिघल गई है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े बड़ी वाली डेले भी डाल देता हूँ, गर्मी इतनी है क्या कर सकते। थोड़ा डाल दूं क्या काला नमक? काले नमक की क्या जरूरत है इसमें? अरे बहुत जोरदार बन जाएगा ये। ये देखिए अब इसमें हमने डाल दी है, इसको देखते ही आपको ठंड तो नहीं लग रही ना लोगों, दर्शकों पसीना आ रहा है हमारे तो। हाँ अब मैं इसमें सोडा ऑप्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो मैंने आपको बताया था माउंटेन ड्यू या स्प्राइट है, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ओहो ओहो वाओ, तहलका मच गया इस बोतल में तो। खुल गया है, मन ललचा गया ना। ओ, क्या बात है, मन ललचा गया। देखिए छोरे ने बना दी एक रेसिपी, सीख गया मेरे साथ। सीख गया, सीख गया लड़का, सीख गया लड़का, बड़ा हो गया है। बढ़िया है, काम आएगी आगे। ये देखिए आप, देखिए मतलब ये जो क्या मतलब गजब काम हो रहा है, बहुत ही गजब हुआ है तो भाई। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ना ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि सब चीजें मिक्स हो जाए। आए हाय, आप चाहे तो इसके अंदर स्ट्रॉ डाल के पी सकते हैं, या फिर वैसे ही पी सकते हैं, या फिर इसमें काला नमक भी डाल के पी सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है, देख सकते हैं आप बिल्कुल कैसे बुलबुले से उठ रहे हैं अंदर बीच में। राइट, तो आप एक और मोहितो आपको मैं बना के बता रहा हूँ, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, और वो वाले मोहितो में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें थोड़ा सा मीठा कम रहेगा, तो किसी को अगर पसंद हो तो उसमें हल्का सा शुगर पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, तो मिठास उसकी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको सेकंड तरीके के वर्जिन मोहितो बना के बताता हूँ, काफी हिस्सा सेम रहने वाला है और कुछ चीजें चेंज होने वाली है, जैसे कि ये है शुगर पाउडर, तो थोड़ा सा जैसा भी आपको पसंद हो ले लीजिएगा। मैंने ये अराउंड एक चम्मच ले लिया है, एक चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। ये है चाट मसाला, अराउंड हाफ टीस्पून समझ लीजिए वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, ये मैंने डाल दिया है हाफ टीस्पून चाट मसाला हो गया। और इसके अंदर एक चीज है कि इसमें हम मिंट जो पोलो बताया था वो नहीं डाल रहे हैं, जो कम शक्कर पीते हैं वो उस वाले मोहितो को बना के ट्राई कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा मीठा पसंद है तो वो ये वाला बना सकते हैं। ये हमारा देसी तरीका है, और जो ये चाट मसाला हमने इसलिए डाला है, इसके अंदर काली मिर्ची है, जीरा है और काला नमक सब मिक्स होते हैं, और आप चाहे तो खाली काला नमक भी डाल सकते हैं, इसके अंदर सब मिक्स है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमारा औजार आ गया है, तो एक हाफ पीस ऑफ लेमन हम इसमें स्क्वीज कर देते हैं। मम्मी क्या कहते हो, एक पूरा कर दें? हैं? एक पूरा कर दें इसमें, अलग मजा आ जाएगा। बहुत है ये, आधा बहुत है, तो चलिए फिर आधा रखते हैं। तो आधा लेमन हमने इसमें स्क्वीज कर दिया, अब थोड़े से ये मिंट लीव्स हो गए हैं, हाथ से तोड़ तोड़ के है ना, दो दो, ठीक है, तो ये डाल दिया हमने इसमें, दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, मेरे ख्याल से इतनी पत्ती बहुत है ना, ठीक है। और साथ में हम दो या तीन पीस हम ये इसके लेमन के पीस में डाल देते हैं, और इसको वही हमारा देसी मडलर इससे थोड़ा सा दम लगा के और स्क्वीज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि मिंट लीव्स का जो फ्लेवर होगा वो भी फ्री हो जाएगा इसमें ड्रिंक में, जब भी हम जैसे ही सोडा ऐड करेंगे तो पूरे में उसका फ्लेवर आ जाएगा। आई थिंक इतना बहुत है ना, हमें क्रश हो गया, ज़्यादा दम लगा दिया तो ग्लास के 12 बज जाएंगे। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी आइस, और यदि किसी को सोडा पसंद नहीं हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं, चिल्ड वाटर इसके अंदर। लेकिन सोडा से एक वो जो टैंगीनेस आता है, और यदि आपको चाहिए तो कोई स्प्राइट वगैरह आपके पास पड़ी है घर में तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं सोडा, ये सीन सबसे बढ़िया होता है, थोड़ा पास से दिखाएं इसको आप, आहा देखते ही मतलब मन में तरावट आ जाती है हमें, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ये हो गया है तैयार हमारा, थोड़ा सा इसको टॉस कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो सब चीजें सारे इंग्रेडिएंट हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, घुमा लेते हैं इसको। आई थिंक सब कुछ परफेक्टली बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और ये हमारा जो सेकंड देसी वर्जिन मोहितो है जो हमने इन्वेंट किया है वो भी तैयार है। तो मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज मम्मी ने अपने चैनल पे भी फीचर होने दिया दूसरी बार, और अगर मैंने इसका एक ब्लॉग भी बनाया तो अगर किसी को देखना है तो वो कहाँ देख सकते हैं मम्मी? प्रमिला स्कूपू व्लॉग पीसीबी व्लॉग। मुझे तो मेरा ही चैनल याद है। सही बात है, खैर लेकिन थैंक यू। और ये देखिए, ये हमारा जो पहला वाला था
जितने भी कम शुगर जो पीते हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये हमारा खुद का वर्जन है, इसको तो जरूर पीजिएगा। बिल्कुल, दोनों ये बहुत देसी तरीका है, दोनों ही अमेजिंग है और बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और इसको भी कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रमिला कुक बुक को, और अगर व्लॉग्स देखना पसंद है तो पीजी भी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। धीरे बूढ़ी हो रही हो तो इसको शेफ बना दूंगी, तो फिर इसकी रेसिपी देख लेना। ऐसा होगा क्या? मैं बना दूंगा आप जितनी, तो मैं नहीं बना पाऊंगा। एक बार सिप लेके तो बताओ कैसा बना है वो। ये तो ऑलवेज अच्छा ही बनता है, तरह बट आगे गर्मी, इसमें थोड़ा मीठा कम रहेगा है ना। इसमें भी शुगर डाल सकते हो, इधर पोलो मिंट की जगह शुगर का यूज कर सकते हैं, शुगर पाउडर। बिल्कुल, तो जैसे आप एंड करते हो, आपका चैनल है तो आप एंड करो। तो फिर देखा आपने, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और गर्मियों में बहुत ही अच्छा कूल रिफ्रेशिंग आपको देगा ये, और कोई गेस्ट आए तो भी आप बना के इसे पिला सकते हैं। तो इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए और इसे बनाइए और पिलाइए, और यदि आपको हम दोनों की रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और मेरा भी लास्ट में पीसीबी व्लॉग्स पे भी जाएगा, तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। ठीक है, चीयर्स। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।